हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ड्राई चीज़ी मसाला मैगी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे आपने मैगी तो बहुत तरीके से बनाई और खाई होगी, लेकिन मैं आज जिस तरीके से मैगी बनाऊँगी उस तरीके से मैगी खाकर आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी टेस्टी ये बनती है। इस मैगी में मैंने एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट का भी इस्तेमाल किया है, जिससे ये मैगी सुपर टेस्टी बनती है। इस मैगी की खास बात ये है कि मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूंगी और थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 पैक मैगी नूडल्स, 4 मैगी के टेस्ट मेकर, 2 मीडियम साइज के चॉप प्याज, 1 कप चॉप गाजर, 1 कप चॉप बीन्स, 1 कप चॉप शिमला मिर्च, 1 टेबल स्पून फ्रोजन मटर, 1 कप चॉप टमाटर, 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टीस्पून चॉप्ड हरी मिर्च। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और उसमें मैगी के नूडल्स को छोटा छोटा तोड़ लेंगे। उसके बाद हम अपने एक पैन या कढ़ाई में डालेंगे 1 टेबल स्पून बटर और अपनी मैगी को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ हमें मैगी को 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है और हमारी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर होगी। यहाँ हमारे मैगी के नूडल्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। फिर हम सेम पैन में डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल और उसके गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के चॉप प्याज और 1 मिनट तक उसे हाई फ्लेम पर सॉटे करेंगे। इसमें हम मिलाएंगे चॉप लहसुन, ग्रेटेड अदरक, चॉप्ड हरी मिर्च और 1 मिनट तक भुनेंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी सारी सब्जियों को मिलाएंगे और 2 मिनट के लिए भुनेंगे। हमें यहाँ सब्जियों को पूरा पकाना नहीं है, जस्ट सॉटे कर लेना है, क्योंकि सब्जियों में हमें थोड़ा सा क्रंच चाहिए। इसमें मैं मिलाऊंगी 1 कप चॉप टमाटर। सबको मिक्स करके टमाटर के पकने तक पकाएंगे। इसमें मुझे 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। हाँ, मेरी सब्जियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1 टेबलस्पून पिज्जा सॉस, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला यहाँ मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, आप इसको डालिएगा, इससे मैगी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अपने मैगी के 4 टेस्ट मेकर को मिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक भुनेंगे। यहाँ हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। फिर इसमें हम मिलाएंगे अपने रोस्टेड मैगी नूडल्स और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। दो मिनट बाद ये देखिए हमारी मैगी 80% तक कुक हो चुकी है और हमारे मसालों और सब्जियों के फ्लेवर के साथ मैगी के फ्लेवर मिक्स हो गए हैं। यहाँ हम 4 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और फाइनली 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फिर से कुक करेंगे। यहाँ हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैगी के टेस्ट मेकर में भी नमक होता है। और ये देखिए 1 मिनट बाद मैगी हमारी बिल्कुल रेडी है। पर हम मैगी को अकेले ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, तो बस इसमें हम मिलाएंगे सबकी फेवरेट 1 कप मोजरेला चीज़ और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑरगैनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और बस 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे।
और ये देखिए हम सबकी फेवरेट ड्राई चीज़ी वेजिटेबल मसाला मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। मुझे ये पूरा यकीन है कि आप और आपके बच्चे इसे बहुत इंजॉय करेंगे और बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इंजॉय योर ड्राई चीज़ी वेजिटेबल मसाला मैगी। टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।